अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज बनने वाला है सबसे रिक्वेस्टेड वीडियो। हमारे व्यूवर्स लोग कमेंट में डाल डाल के थक गए थे कि आपा ये बनाओ, तो आज फाइनली वो बन ही रहा है। तो मम्मी बताओ क्या बन रहा है। चिकन स्टीम मोमोज, और उसके साथ में मैं बनाने वाली हूँ मोमोज चटनी। तो आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो इधर पे मैं क्या कर रही हूँ, इधर पे मैंने एक जगह टोप रखी हूँ पानी गर्म के लिए। तो ये मैंने एक टोप में पानी ली हूँ, कम से कम 2 गिलास। तो पानी हल्का सा गर्म हो गया है, तो इसमें मैं डालूँगी जैसे कि 20 से 30 लाल मिर्ची। जो ये लाल मिर्ची मैं यूज़ कर रही हूँ, ये लाल मिर्ची बिल्कुल भी तीखी नहीं होती है। कश्मीरी लाल मिर्ची नहीं है, इसका नाम भी भूल गई मैं, लौंगी मिर्ची। ये तीखी नहीं होती है, इसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। और इसमें मैं डाल दूंगी 3 मीडियम साइज के टमाटर, इस तरह से कटिंग करके, है ना। अब मैं इसका नाम मुझे जल्दी याद नहीं आ रहा, शायद याद आ जाएगा। तो बेर की मिर्ची है क्या, जो भी मिर्ची है मैं बीच में बोल दूंगी, है ना। सिर्फ तो मैंने इसमें डाली हूँ 3 मीडियम साइज के टमाटर, बीच में से 2 करके ही मैंने सिर्फ इसमें डाल दी हूँ। जैसे कि मिर्ची पक गई थी, थोड़ा 5 मिनट तक का मैंने मिर्ची को पका ली, उसके बाद में मैंने टमाटर डाल के भी 5 मिनट तक का पका ली। तो ये टमाटर का जो ऊपर की जो स्किन है वो जब निकलने लगेगी तो हम गैस को बंद कर देंगे और एक छन्नी की मदद से इसका पानी अलग कर लेंगे। तो दोनों को मैंने 5-5 मिनट पकाई, यानी पूरा कितना मिनट पकाया, 10 मिनट तक मैंने पका ली, है ना। अगर आप लोग ये मिर्ची का नाम जानते हैं तो मुझे कमेंट में बता देना, बट आज मेरे ध्यान में इसका नाम नहीं आ रहा है, तो जाने दो। चलो, तो ये तीखी नहीं होती इतना तो मुझे पता है। अभी इसे हम ठंडा कर लेंगे और इसके जो टमाटर के ऊपर जो स्किन लगी हुई है वो स्किन को हम सारी अलग कर लेंगे। तो ये काफ़ी गर्म है तो निकालने में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो आप एक काम करना, इसे ठंडा होने के बाद में ही निकालना। तो ये जो मोमोज की जो चटनी होती है ये बहुत ही अच्छी बनती है, खाने में बहुत टेस्टी लगती है, मैं हमेशा बनाती हूँ। और जैसे कि मैंने सिजवन चटनी में भी ये वाली मिर्ची यूज़ की थी, और मैंने शायद तभी बोल दी थी, मगर अभी भूल गई। तो ये सब ठंडा होने के बाद में अभी हम इसे एक मिक्सर के जार में डाल देंगे। इसके अंदर हमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि जो हमारे टमाटर का पानी काफ़ी छूटेगा तो उससे हमारा जो इसका पेस्ट ना, यानी चटनी, अच्छे से पीसे जाएगी। बराबर आसिम, बराबर। तो चलिए अभी इसे हम पीस लेते हैं। तो ये देखिए अभी पीस के हो चुका है, एकदम फाइन पेस्ट नहीं बनाना है, थोड़ा बहुत ज़्यादा मोटा रखना है। तो इसे हम एक साइड में रख देंगे। इधर पे मैंने एक पैन रखी हूँ, पैन को हम अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। इसके अंदर डालेंगे तिल का तेल, है ना। तो ये मैं डालूँगी 4 चम्मच। तो ये आज ही मैंने बाटली लेके आई हूँ दुकान से, मेरे पास पहले थी तो ख़त्म हो गई, तो मुझे जजमेंट है इसलिए मैं अपना ऐसे ही डाल रही हूँ। तो आप इसमें 4 से 5 चम्मच भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए तेल जब गर्म हो जाएगा तो 1 चम्मच अदरक बारीक चॉप किया हुआ और 2 चम्मच लहसुन बारीक चॉप किया हुआ, तो मैं ये दोनों साथ में ही चॉप करके एक ही में मिक्स करके रख दी थी। अभी ये डाल देंगे और इसे हल्का हल्का सा गोल्डन कलर करेंगे, एकदम ज़्यादा नहीं, एकदम हल्का सा। और ये जो हमने चटनी पीस के रखे थे वो सारा चटनी इसमें डाल देंगे। और डालने के बाद में इसे हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए मिक्स कर ली मैंने इसे, 5 मिनट तक का मीडियम गैस पे पकाई हूँ। उसके बाद में नमक डालिए, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए। ये क्या डालिए आसिफ, विनेगर मैंने 2 चम्मच डाली हूँ। अभी क्या डालूंगी आसिफ, सोया सॉस। हाँ, तो ये सोया सॉस मैं निकाल ले रही हूँ। सोया सॉस मैं 1 ही चम्मच डालूंगी, ज़्यादा नहीं। देखिए ये 1 चम्मच डाल दी मैंने। अभी इसके अंदर जाएगा शक्कर, तो शक्कर मैं 1/2 चम्मच डाल रही हूँ, थोड़ा सा टेस्ट के लिए। हाँ, इसमें टेस्ट अच्छा आता है और ये चटनी इतनी अच्छी लगती है ना। मोमोज का इसमें कोई रोल नहीं होता है, जो भी होता है मोमोज खाने में, मोमोज की अगर चटनी अगर एकदम अच्छी रही तो आपको मोमोज एकदम खाने में मज़ा आ जाएगा, है ना। तो अभी ये सब डालने के बाद में हम इसे 5 मिनट तक का मीडियम गैस पे पका लेंगे, ज़्यादा नहीं पकाना है क्योंकि पहले ही सब कुछ पक चुका है।
5 मिनट बाद हम गैस को बंद कर देंगे और सारी चटनी अलग एक बर्तन में निकाल लेंगे। अगर आप चाहें तो एक डब्बे में निकाल के भी इसे रख सकते हैं। ठंडा होने के बाद में आप इसे फ्रिज में रखिए, कम से कम महीना भर आप ये चटनी को यूज़ कर सकते हैं। और ये मोमोज के साथ ही नहीं, आप इसे चिकन लॉलीपॉप या कोई भी स्टार्टर के साथ में भी आप इसे खा सकते हैं। बराबर आसिफ? बराबर। हाँ तो मैं ज़रा फास्ट बोल रही हूँ आसिफ। नहीं नहीं चल, बराबर बोल रही। बराबर बोली ना? तो मैंने तो मेरी तो चटनी पूरी चट हो गई, कुछ भी नहीं बची। तो चलिए अभी मोमोज के लिए हम आटा मल लेते हैं। तो ये मैंने मैदे का आटा ली हूँ 1 गिलास। इसमें नमक डालेंगे, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से आप डालिए। और इसमें हम पानी डालेंगे, पानी डाल के एक अच्छा सा डो बना लेंगे। इसका जो हमें डो बनाना एकदम कड़क नहीं बना, एकदम नरम नहीं बनाना है, हार्ड रखना है। थोड़ा हार्ड रखना है ना? हाँ, थोड़ा सा इसको कड़क रखना है क्योंकि हमें मोमोज बनाने में आसानी हो। तो ये देखिए अच्छी तरह से मल के हो चुका है। ये देखिए मैंने कितना इसे कड़क रखी हूँ, एकदम ज़्यादा नरम भी नहीं, ज़्यादा कड़क भी नहीं, मीडियम। एक कपड़ा ढक के हम इसे एक साइड में रख देंगे। अभी हम मोमोज बना लेते हैं। मोमोज का जो बैटर होता है वो बना लेंगे, है ना? तो इसके अंदर मैं खीमा ली हूँ, खीमा मैंने 1/2 किलो ली हूँ। इसमें 2 मीडियम साइज़ की प्याज बारीक चॉप की हुई डालेंगे और 1 वाटी बारीक चॉप किया हुआ पत्ता गोभी और बारीक चॉप किया हुआ यानी घस के मैंने 1 वाटी गाजर ली हूँ। बराबर है सिर्फ? बराबर। ये सब ये जो मसाला है ये मतलब मोमोज के अंदर स्टफ होएगा। हाँ स्टफ होएगा, स्टफिंग होएगी, स्टफिंग होएगी, है ना? तो ये सब मैंने डाल दी। अभी इसके अंदर डालेंगे ये चम्मच से 1 और आधा ना डेढ़ ना डेढ़ डेढ़ चम्मच सिजवन चटनी, ये चम्मच से 2 चम्मच सोया सॉस। हाँ अभी यही चम्मच से 1 चम्मच विनेगर, ये चम्मच से 2 चम्मच ग्रीन चिल्ली सॉस और ये चम्मच से 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर और नमक अपने टेस्ट के हिसाब से आप डालिए, है ना? इसमें जाएगा अजीनोमोटो नमक, मैंने 1/4 डाली हूँ। अगर आपको पसंद है तो डालिए, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। बराबर। अभी अच्छी तरह से वाटी साफ करके मैं डाल देती हूँ और इन सबको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, एकदम अच्छी तरह से कि हमारे मसाले, हमारी जो भाजी है ये सब एक से एक मतलब अच्छे से मिल जाए पूरा, है मिक्स ना? हो जाए, मिक्स हो जाए। तो इसे मिक्स करके इसे कुछ भी रखना नहीं है, ताबड़तोड़ हम बना देंगे। तो जब तक मैं थोड़ा साइड में रखती हूँ, एक तरफ मैं पानी रख लेती हूँ और हाथ भी धो लेती हूँ। तो क्या बोले, क्या बोल रहा है क्या मालूम, आसिफ कुछ बोलना चाह रहा है मगर समझ में नहीं आई मुझे बात। तो इधर पे जो थोड़े बहुत पसारे थे वो सब मैं साइक में कर रही हूँ। और क्या बोलूँ मैं आप लोगों को, मेरा किचन भी बहुत गंदा हो गया। और हाँ एक बात तो बोलना ही भूल गई कि हमारे उधर पानी नहीं आया है, पानी नहीं आया करके हमारे उधर इतने बर्तन जमा हो गए हैं। तो चलिए इधर पर मैंने गैस ऑन कर दी हूँ और इधर पर रखी हूँ एक टोप। टोप में मैंने रखी हूँ 4 गिलास पानी, पानी गरम के लिए रखी हूँ। और ये छन्नी रखी हूँ, छन्नी के ऊपर हम हल्का सा ऑयल लगा लेंगे। कौन सा ऑयल लगाई हूँ मैंने? तिल का तेल, तिल का तेल लगाई हूँ। हाँ अब ये गरम होने देंगे। तो चलिए अभी हम लगा इधर बना लेते हैं मोमोज। तो इधर पे मैंने थोड़ा सा आटा ली हूँ हाथ में, एकदम ज़्यादा सा बड़ा पेड़ा नहीं लेना है, एकदम छोटा सा ही लेना है। तो ये देखिए इस तरह से बताती हूँ कौन से साइज़ का लेना है। ये देखिए इतना छोटा सा लेना है, जैसे कि हम पूरी बेलने के लिए लेते हैं ना वैसा। अभी हल्का सा सूखा आटा लगा के हम इसे अच्छी तरह से बेल लेंगे। देखिए बेलिए बेलिए, बेलते जाइए। देखिए मैं कैसे बेल रही हूँ, मुझे बेलना बहुत फटाफट आता है, फास्ट फास्ट बेल लेती हूँ मैं। तो ये देखिए ऐसे मैंने बेल ली। अभी इसको थोड़ा सा राउंड शेप देने के लिए मैं वाटी से ऐसे, इस तरह की वाटी तो आप लोगों के पास होगी, है ना? राउंड शेप आ गया। अभी मैं हल्का सा इसे फिर से बेल लूँगी, आप लोग मेरे हाथों पे ध्यान दीजिए, है ना? हल्का हल्का सा बेल लीजिए, है ना? एकदम मोटा भी नहीं, एकदम पतला भी नहीं, मीडियम रखना है हमें। 1 चम्मच हम ये जो मसाला हमने बना के रखे थे चिकन का वो हम डालेंगे। और ये देखिए ऐसे, अभी देखिए मैं एकदम प्रोफेशनल नहीं हूँ, मुझे जैसे आता है मैं वैसे मोमोज बनाना आपको बता रही हूँ। और जैसे मैं अपने घर में बनाती हूँ वैसा ही मैं आपको बता रही हूँ, है ना? अभी आपको जैसा आता है वैसा आप बना सकते हैं।
ज़रूरी नहीं कि आपको एकदम प्रोफेशनल तरीके से ही आना ज़रूरी है, बस खाने में इसका टेस्ट अच्छा होना चाहिए। और खाने में टेस्ट कैसा था सिर्फ? एक नंबर माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त था। ज़बरदस्त था। तो ये देखिए, ये मैंने इस तरह से अपनी स्टाइल में इसको डिज़ाइन दे दी हूँ। तो ये देखिए ऐसे एकदम ईजी और सिंपल तरीके से अफरोज के स्टाइल का मोमोज है ना। तो ऐसे ही करके हम सारे मोमोज बना लेंगे, उसके बाद में हम इसे वाफ पे रखेंगे, है ना। तो मैं आपको और भी तरीके का एक है ना, और एक तरीके से भी मैं बता दूंगी कैसे बनाना है। तो ये तो बहुत ही अच्छा बना। तो ये दूसरा है, अभी इसे मैं कैसे बनाऊंगी, जैसे हम मोदक बनाते हैं ना, वैसे बनाऊंगी लहसुन टाइप में। ऐसे घुमाते जाइए चारों बाजू पकड़ के, जैसे कि मोदक बनता है वैसे मैं इसे गोल गोल बना लूँगी। अभी बहुत लोगों को नहीं पता है, जो हमारे महाराष्ट्रीयन भाई लोग रहेंगे उन लोगों को पता है कि मोदक की डिज़ाइन कैसी होती है। तो ये देखिए ऐसे ऐसे भी मोमोज बनता है, मैंने देखी हूँ। तो चलिए अभी इसको हम सबको बना के वाफ के लिए रख देती हूँ। ठीक है, अच्छा बना था ना आसिफ? मस्त, बहुत मस्त बना था। टेस्ट कैसा था? चटनी तो एक नंबर थी। बिना चटनी के मोमोज एकदम अधूरा है। पहले मैंने थोड़ा बना के रख दी थी। तो ये देखिए अभी ये सारे मोमोज हम इस तरह से इसके ऊपर रखते जाएंगे, है ना। अभी इसे कितना मिनट रखना है? कम से कम 10 मिनट तक का हमें इसे वाफ देनी है, है ना। अच्छे से स्टीम हो जाना चाहिए। एकदम फास्ट गैस पे भी नहीं और एकदम मीडियम गैस पे नहीं, कम से कम 10 मिनट। हाँ, 10 मिनट में हमारा चिकन भी गल जाएगा और हमारा मोमोज भी अच्छी तरह से ऊपर का जो उसका जो ये है ना हमने बनाए मैदे का, वो भी अच्छी कोटिंग अच्छे से हो जाएगी। 10 मिनट में तो अच्छे से पक जाता है पूरा चिकन मीडियम गैस पे, बराबर। और चटनी भी जब आप बनाएंगे तो उसे भी मीडियम गैस पे ही रखना, ज़्यादा फास्ट पे मत रखना। तो देखे ना मोमोज बनाना भी कितना ईजी है, एकदम सिंपल है। बात करते करते हमारे मोमोज भी रेडी हो गए। तो अभी काफ़ी गर्म है और एकदम सॉफ्ट बने कि हाथ लगाने से मोमोज एकदम टूट रहे। तो ये देखिए अभी मैं इसे सारे निकाल के एक प्लेट में रख लेती हूँ। बहुत गर्म गर्म है, बहुत मस्त बना था। आप लोग भी जरूर ट्राई करना, बहुत अच्छा बना था। इसकी चटनी अगर अच्छी बन गई ना तो बस मोमोज का भी खाने का मज़ा ही और है। और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको कैसी लगी मेरी रेसिपी। और मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो माय यूट्यूब चैनल को, अफरोज किचन को, है ना। तो चलिए अभी मैं आपको सर्व करके बताती हूँ। चटनी भी एकदम चटपटी स्पाइसी थी। ये बहुत अच्छी बनती है। तो ये देखिए ये हमारी रेसिपी हो चुकी है। कैसी लग रही है हमारे मोमोज? एकदम बेहतरीन लग रहा है, पकने के बाद में तो और अच्छे लग रहे। देखो इसका कलर वगैरह। और अभी बज रहे हैं रात के, कितने बज रहे? 3 बज रहे मैं आवाज़ दे रही हूँ। तो चलिए एक मोमोस आपको तोड़ के बताती हूँ मैं। ये देखो अंदर इसकी स्टफिंग कितनी अच्छी भरी हूँ मैंने, और ये चटनी में लगाई माशाल्लाह। और ये बोले बिस्मिल्लाह और खाते हैं। चेहरा पूरा पसीना हो गया मेरा, बिस्मिल्लाह। ओफो एकदम ज़बरदस्त, बस एकदम खतरनाक, एकदम ज़बरदस्त, कोई जवाब ही नहीं। हाँ हाँ हाँ, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चलो अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखना, इस तरह की अच्छी अच्छी रेसिपी की वीडियो देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करो, शेयर करो, अच्छी कमेंट भेजो। अल्लाह हाफिज़।